हलो असलकम एवरी वन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरत से होंगे ठीक ठाक होंगे सो आज ही मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी सो थोड़ा थोड़ा सा मुझे फीवर हो रहा था और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी सो मैं सारी सो नहीं सकी थी एक्चुअली सो मैं फजर के नमाज के लिए उठी फ्रेशन हुई नमाज़ अदा की उसके बाद में थोड़ा सा रूम को सेटल करने आ गई थी क्योंकि जब जब आप घर को समेट लेते हैं ना तो वैसे ही आपका घर काफ़ी ज़्यादा अच्छा साफ सुथरा दिखने लग जाता है सो so, इस टाइम पर जी मैं नमाज़ अदा करने के बाद रूम में आ चुकी थी और थोड़ा सा मैं रूम को सेट कर रही थी बेड वगैरह सेट कर रही थी और थोड़ी बहुत चीज़ें जो फैली हुई होती हैं रात में लाइक मोबाइल चार्जर एयरपोर्ट जो भी आपकी यूटेंसिल्स होती है तो बहुत थोड़ी बहुत तो फैली हुई होती हैं सो so, मैंने वो थोड़ी सी सॉर्ट कर ली उसके बाद मैंने बेड बना लिया अच्छे से और फिर मैं चली गई थी जी किचन में और सुबह के टाइम पे काम करने का इतना कुछ मज़ा आ रहा था ना लिटरली आई फील लाइक कि मैं रोज़ाना इस टाइम पर उठूं और अपने कुछ काम करूं दैन फिर मैं दोबारा आराम कर लूं बट इत एकदम वो ठंडा ठंडा सा जो फील था ना बाहर से ठंडी ठंडी सी हवाएं आ रही थी और काम भी साथ साथ हो रहा था तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था मैंने बहुत इंजॉय करके काम किया था तो so मैंने कमरा अच्छे से अपना सेट कर लिया और बिल्कुल सेट हो चुका है और जो है वो अब मैं चली जाऊँगी अपने नेक्स्ट जर्नी पे और वो ही है किचन और यहाँ पर जी हल्की हल्की सी सुबह होना स्टार्ट हो चुकी थी अब जो है वो वैसे ही सुबह मॉर्निंग जो है बहुत जल्दी हो जाती है लाइक पाँच बजे तक तो ठीक ठाक सुबह हो चुकी होती है इतना अमेजिंग वेदर हो रहा था ना लाइक दिल कर रहा था कि बंदा कहीं लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाए सुबह सुबह और सुबह सुबह की जो ड्राइव होती है ना कहीं जाना हो और आप उस टाइम सुबह सुबह निकलें बहुत मज़ा आता है सो so, जी हम कहीं जा नहीं सके और बैक टू दी किचन और किचन में आ गई थी मैं जो कुछ थोड़े बहुत बर्तन यहाँ हुए हुए थे वो मैंने सॉर्ट कर लिए सॉर्ट करने के बाद जो है वो मैंने अच्छे से आज सुबह की जो क्लीनिंग होती है ना वो बिल्कुल डीप वाली होती है और सुबह में अगर आप एक बार अच्छे से क्लीन कर लेना तो वो आपका सारा दिन जो है वो बहुत फ्रेश गुजरता है और आपका दिल भी करता है कि मैं इस प्लेस पे जाऊँ और जाके काम करूँ मेरे साथ भी आज कुछ ऐसे ही था मैंने कहा अब मुझे नींद तो आ ही नहीं रही है क्यों ना इस टाइम को जो है वो हम टाइम को हम यूटिलाइज़ करें और अपने कुछ कामों से फ्री हो जाए तो so, जी मैं आ गई थी किचन में और जो कुछ रात के बर्तन जो ड्रायर में पड़े हुए थे वो मैंने अच्छे से सेग्रीगेट कर लिए और पोर्शन वाइज जो है वो फिर मैंने उन्हें जो है वो सेट कर देती हूँ मेरी हमेशा से यही आदत रहती है कि जब भी बर्तन धुले हुए हों या किसी काम की क्लीनिंग करनी हो तो मैं सेक्शन वाइज़ कर लेती हूँ सो so, उस उसके बाद जो है ना वो आपको लाइक like, आपके माइंड में एक बर्डन नहीं होता कि लाइक like, ओ मुझे ये सब करना है नॉट आपने आपके माइंड में ये होता है कि मैंने ये कर लेना है और इसके बाद मैंने ये कर लेना है सो so, मेरे लिए जो है ना वो ये काम बहुत ईजी हो जाता है फिर सेक्शन वाइज़ करके यहाँ पर जी जो बर्तन धुले हुए थे उन्हें मैंने अच्छे से, से सेट कर दिया उनके प्लेस पे उसके बाद जो है वो मैं मॉर्निंग में लेती हूँ ज़ीरा वाटर सो मैंने कहा जब तक मेरे किचन के जो काम होंगे मेरे वो वाटर बॉयल हो जाएगा मेरी जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो मेरी बॉयल हो जाएगी और फिर उसे मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी सो so, जी मैं यहाँ पर आ गई थी जी सबसे पहले जो बर्तन हमने सेट किए थे वो सिंक खाली हो चुका था उसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया यू you नो know, मैं सुबह के टाइम पर जो है वो अच्छे से सिंक को वॉश कर लेती हूँ वैसे तो वो सारा दिन ही होता रहता है बट सुबह को जो एक टाइम होता है ना लाइक सुबह का हो या आफ्टरनून uh, का हो कोई भी एक टाइम होता है बंदे का सेट किया हुआ इस टाइम पर मुझे ये काम बहुत अच्छे से करना है सो so, मेरा यही होता है कि मैं जिस टाइम भी सो के उठूँ चाहे मैं वो अर्ली मॉर्निंग हो नाइन ए एम हो या टेन एम जिस वक्त भी मैं उठती हूँ सो so, उस टाइम पर मैं अच्छे से उस चीज़ को जो है वो क्लीन अप कर देती हूँ यहाँ पर जी मैंने अच्छे से, से सिंक को जो है वो वॉश कर दिया था और वहाँ पर जो हमारा स्ट्रेनर रखा हुआ था एक दफ़ा दिन में मैं उसे भी वॉश कर लेती हूँ यू you ना know, जब आप रोज़ाना इस तरह काम कर रहे होते हैं तो आपको मंथली या वीकली बेसिस पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है मुझे ये काम बहुत पसंद है कि आप एक बार बहुत ज़्यादा मेहनत करने से बेहतर है कि आप रोज़ाना उस चीज़ को अच्छे से साफ कर लें सो तो आपको वो मंथली बेसिस और वो वीकली बेसिस वाला काम बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर जी मैंने अपने स्ट्रेनर को भी वॉश कर लिया है और सुबह का जो काम होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लेंदी काम होते हैं जैसे अब अगर मैं शाम में आऊँगी दोबारा किचन में तो मुझे ये सब काम नहीं करने होंगे और मैं आऊँगी अपने काम किए कुछ बर्तन वॉश किए खाना बनाया और चले गए डेट्स इट आपको कोई जो है वो मेहनत वाले काम नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि जब वो सारे काम आप सुबह में कर लेते हैं तो आपके सारे काम ही सॉर्ट हो जाते हैं चाहे वो किचन से रिलेटेड हो घर से रिलेटेड हो ये किसी भी जो है वो चीज़ से रिलेटेड हो अगर आप इस तरह कर लेते हैं तो आपको वो बार बार वाली मेहनत जो है वो एक बार बहुत ज़्यादा टाइम दे के नहीं करनी पड़ती है वहाँ पर जी मैंने कुछ काम कर ली यहाँ पर मेरी मॉर्निंग ड्रिंक बॉयल हो चुकी थी ये वेट लॉस के लिए बहुत 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 अच्छी ड्रिंक है आपने रात में जो है वो एक गिलास पानी में एक चम्मच जीरे को जो है वो डिप करके रख देना है सोक करके और सुबह आपने उसे एक बॉयल दे के ठंडा करके उसमें लेमन ऐड करके और आपने पी लेना है बहुत अच्छी ड्रिंक होती है ये आपका इम्यून सिस्टम भी जो है वो बहुत अच्छा करती है और वेट लॉस के लिए भी अच्छी है और आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा करती है जिन लोगों को मेरी तरह डाइजेशन में प्रॉब्लम होती होगी उनके लिए बहुत अच्छा है अब जी मैं जो है वो पूरे किचन को सेक्शन वाइज जो है वो अच्छे से क्लीन कर लूँगी पहले जो है वो मैं एक बार क्योंकि स्टोव से बहुत करीब है करीब जो जगह होती है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी होती है सो so, मैं पहले अच्छी तरह जो है वो स्पंज से या किसी भी वाइप वगैरह से आप क्लीन करते हैं तो मैं उसे पहले एक बार अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ देन उसे सोप लगा के दोबारा से वाइप से क्लीन कर दिया सो so, यहाँ पर जी मैंने उसे एक बार अच्छे से क्लीन कर दिया था सेकेंड टाइम मैंने दोबारा उसे वॉश किया और मैंने उसे दोबारा अच्छे से वॉश कर वॉश करने के बाद क्लीन कर दिया और यहाँ पर जो जिस सेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है उसे मैं डेली की डेली ही क्लीन करती हूँ यहाँ पर जो कप का स्टैंड था तो वो मैंने उसे उसी वक्त जो है वो क्लीन करके और मैंने उसी जगह पर दोबारा रख दिया अब जी मैं आ चुकी हूँ अपनी चिमनी की तरफ ये भी मैं डेली इसी तरह सोप से साफ करती हूँ यू नो हमारा घर बहुत टॉप पर है और बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है इंशाल्लाह मैं किसी दिन आप लोगों के साथ अपना होम टूर और किचन टूर भी ज़रूर शेयर करूँगी सो so, यहाँ पर जी बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है और पाकिस्तान में वैसे ही बहुत ज़्यादा मिट्टी है सो so, यहाँ पर और जब ब्लैक चीज़ें हो ना आपके घर में सो so, ऑफ किसी के आने से पहले ना पहले आपको देखना पड़ता है ओ ये चीज़ क्लीन है ये चीज क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है और ब्लैक चीज़ों पर तो आपको बहुत ज़्यादा मिट्टी दिखती ही है तो यहाँ पर जी एक बार मैंने अपनी जिमनी पे सोप लगा दिया था अगर आप सोप यूज़ नहीं करते आप कोई जो है वो लिक्विड यूज़ करते हैं तो आप वो लगा लें या आप एंटीबैक्टीरियल जो है वो आप स्प्रे यूज़ करते हैं तो आप वो लगा लें और इसे जो है वो वॉश करते करते अच्छे से क्लीन कर लें मैं तो ऐसे ही करती हूँ और दिन में एक बार कर लेना तो वो पूरा दिन अच्छे से सॉर्ट हो जाता है और कोई टेंशन नहीं रहती कि ओ ये चीज़ गंदी हो रही है क्योंकि वो आपकी डेली बेसिस पे बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो रही होती है सो so, ऊपर से तो मैं उसे डेली कर देती हूँ और जो उसका जो ग्रीसी पार्ट होता है ना उसे मैं वीकली बेसिस पे एक बार ज़रूर कर लेती हूँ तो वो भी अच्छे से क्लीन होती है मुझे क्यों बहुत ज़्यादा वाली मेहनत नहीं करनी पड़ती है और यहाँ पर जो साइड कैबिनेट्स हैं जो साइड कॉर्नर्स होते हैं उसे भी मैं एक एक ही बार जो है वो उसी स्पन से क्लीन कर लूँगी और इसी तरह जितने भी सारे अप डाउन के जितने भी कैबिनेट्स हैं तो उन्हें मैं अच्छे से एक दफ़ा दिन में अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ एक बार क्लीन किया दोबारा वॉश किया फिर क्लीन किया फिर इस तरह से जो है वो वाइप्स के साथ काम चल जाता है बहुत अच्छे से सो so, जी नेक्स्ट टू हुई स्टोव सो जी स्टोव के जो पीछे वाली जो वॉल होती है ना बहुत ज़्यादा ग्रीस जम जाता है उस पर एक ही दिन में चाहे आप दिन में कितनी भी बार उसे क्लीन कर लें मेरी जो है बहुत ज़्यादा गंदी होती है बहुत ज़्यादा जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो ऑयली खाने बनते हैं ना तो हर चीज़ को साफ़ करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है सो so, मैं दिन में एक बार उसे भी अच्छी तरह सोप से क्लीन कर लेती हूँ और फिर जिस टाइम जब भी आप खाना बना रहे होते हैं मैं नहीं मान सकती कितनी भी केयरफुली खाना बनाए वो चीटे ज़रूर जाते हैं ओड उड़ के ऑयल के तो मैं उसे जो है वो उसी वह क्लीन कर लेती हूँ और बाकी दिन में एक बार काफ़ी अच्छे से सोप से लिक्विड से क्लीन कर लेती हूँ सो so, जी हमारा काउंटर टॉप भी क्लीन हो चुका है हमारा जो स्टोव है वो भी क्लीन हो चुका है ये तो मैंने आपको बहुत फ़ास्ट फॉरवर्ड में और काफ़ी शॉर्ट नोटिस में आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाई है बट मुझे जो है वो मॉर्निंग की किचन क्लीनिंग रूटीन में यू बिलीव मी मुझे एटलीस्ट दो घंटे तो लगे हैं सीरियसली और जब मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ मैंने जब वो पार्ट जो है वो स्किप किए और मैं यहाँ फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ सो so, मुझे बस क्या बताऊँ कि मुझे बहुत हैरत हो रही है और मुझे जो इस साफ करने में जो इतनी मेहनत लगती है ना वो डेली के और ये अब क्या मैंने कर लिया अब मैं डाउन पे आ चुकी हूँ और यहाँ के करने के बाद मैं आपको किसी दिन अपने किचन का टोड़ दूँगी तो so, आप देखिएगा कि कितने ज़्यादा कैबिनेट है और उन सब में सामान फुल है सो so, जी बैक टू दी वीडियो बातें तो होती रहेंगी सो यहाँ पर मैं जो है वो उसी स्पंज से या आप वाइप से क्लीन करते हैं तो आप वाइप से क्लीन कर लें जिस चीज़ से आपको जो है वो आसानी होती है आप उसी से कर लें मुझे जो है वो इससे काफ़ी आसानी रहती है और मेरे कैबिनेट्स की जो है वो स्पंज अलग हैं और जो मेरे स्टोव के हैं वो अलग हैं सो इस तरह से जो है ना वो कोई गंदी चीज़ मतलब कैबिनेट्स की जो वो होती है वो ज़्यादा गंदे नहीं होते और वो जो साइड से बातें यूज़ हो रहे होते हैं तो वो तो ज़्यादा थोड़े से मैसी होते हैं यहाँ पर जी मैंने अपनी ज़ीरा वाटर ले ली थी और ज़ीरा वाटर लेने के फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स बाद में अपना फ़र्स्ट मील लेती हूँ और जब आप वो पीएंगे ना मतलब आपका इम्यून सिस्टम वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और फास्ट भी होता है मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती है आपका दिल नहीं चाहता कि हम नाश्ता करें या हम अपना कोई फ़र्स्ट मील बहुत जल्दी से खा लें लेकिन जब आप घी पिएंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली भूख लगना स्टार्ट हो जाती है जो नहीं खाने वाले हैं जो खाने वाले होते हैं उनको तो वैसे ही होती है भूख बट जो नहीं खाने वाले हैं मेरी तरह लाइक खाने वाले तो हैं बट नाश्ता जो है वो इतना अच्छा नहीं लगता सो जी सारे काम करने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट कर चुकी थी मैं सो गई थी सोने आ, सो के उठने के बाद यहाँ पर टाइम हो चुका था दोपहर के खाने का और आज दोपहर के खाने में बना रही थी सिंधी पुलाव ऑथेंटिक सिंधी पुलाव विद बेसिक मसाले चंद मसालों में जो है वो ये बहुत अच्छा पुलाव बन के रेडी हो जाता है आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा सो so यहाँ पर जी मैंने एक पॉट में वन कप ऑयल ले लिया था देन उसके बाद मैंने रफली स्लाइसड अनियन ऐड कर दिए थे और उसे सौते करने के बाद मैंने करीली ऐड कर दी थी एंड इसी पॉइंट पे आपको होल ज़ीरा भी डालना है साबित ज़ीरा मैं जो है वो इस पॉइंट पर ऐड करना भूल गई थी सो so, आप इस पॉइंट पर जीरा ऐड कर दीजिएगा मैंने बाद में ऐड किया था सो so, जी हमारे प्याज सौते हो गए करी लीव्स ऐड कर दिए थे मेरे पास फ़्रेश रखे हुए थे तो मैंने ऐड कर दिए क्योंकि फ़्रेश करी लीव का अरोमा है ना बहुत अमेजिंग आता है मुझे बहुत पर्सन, पर्सनली बहुत पसंद है मैंने बीफ ऐड कर दिया था और बीफ को अच्छे से जो है वो सौते करने के बाद उसका थोड़ा सा पानी रिलीज़ हो हो चुका था उसे मैंने सौते कर लिया और अब देखना यहाँ पर मैंने एक गून भी पानी नहीं डाला इस पॉट में जितना भी पानी है वो बीफ ने अपना रिलीज़ किया है यहाँ पर जी हम उसे थोड़ा सा एवोपरेट कर लेंगे और थोड़ा सा सौते कर लेंगे इसी पॉइंट में मैंने जो है वो एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था और फिर दोबारा से थोड़ा सा भून लिया था और फिर हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे गरम मसाले जिसमें दो बेली एक बड़ी इलायची एक बादन का फूल एक दो लौंग कुछ काली मिर्चें साबित और कुछ दालचीनी के स्टिक्स इसके साथ थोड़ा सा सौते करके एक दो बार चम्मच चला के आपने इसमें अपने स्पाइसेस ऐड कर देने हैं एंड यू नो बहुत कम स्पाइसेस में बनने वाली चीज़ जो है ना बहुत अच्छी लगती है जितने कम मसालों से बनी हुई चीज़ होगी वो बहुत ही अच्छी होती यहाँ पर जी मैंने दो चम्मच नमक ले लिया था और दो चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर और एक चम्मच भर के धनिया पाउडर आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और बस इन चंद मसालों में ही हमारा पुलाव बनकर रेडी हो जाएगा यहाँ पर जो मसालों को अच्छे से ऐड करने के बाद मैंने जो है वो काफ़ी देर तक मसाले को भून लिया था और उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किए थे और मेरे पास जो है वो ये टमेटोज बिग साइज़ के थे और मैंने दो ऐड किए थे टमेटोज़ को ऐड करने के बाद मैंने लिड इसलिए कवर कर दी ताकि हमारे जो टमेटोज़ हैं वो थोड़े से सॉफ़्ट हो जाए अगर आप चाहें तो आप नमक जो है वो टमाटर को ऐड करने के बाद ऐड कीजिएगा तो आपके टमाटर और भी बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाएंगे लेकिन हमें वैसे ही इसे जो है वो मीट के साथ पकाना है तो हमें इतने ज़्यादा मशी इस पॉइंट पर नहीं चाहिए थे तो मैंने सॉल्ट जो है वो स्पाइसेस के साथ ही ऐड कर दिया था इस पॉइंट पर जी हमने लेड हटाकर जो है वो काफ़ी देर तक मैंने फ़िफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स तक ग्रेवी को अच्छे से सौते कर लिया था और जो हमारे टमाटर हैं वो आप देखेंगे बिल्कुल जो है ना वो मशी थे और मैंने इसमें एक लीटर पानी ऐड करके मैंने बीफ को टेंडर होने के लिए छोड़ दिया था एटलीस्ट मैंने ट्वेंटी फाइव मिनट्स बाद चेक किया था थोड़ी सी मीट को टेंडर होने में कसर रह चुकी थी फिर मैंने उसे दोबारा टेन टू फिफ्टीन मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दिया था उसके बाद मैंने लेड हटाई थोड़ा सा पानी रह चुका था मैंने उसमें दो पोटैटोज ऐड कर दिए पील करके और उसके चार टुकड़े करके ऐड कर दिए एंड जी मैंने इस पाइंड पर जीरा ऐड किया है बट आप लोगों ने जो है वो जब प्याज को सौते की थी उस पाइंड पर ऐड करनी चूँकि मैं उस पाइंड पर ऐड करना भूल गई थी यहाँ पर जी टमाटर डालने के बाद हमने अच्छे से सौते किया था मीट को टेंडर होने के लिए रखा था पानी जो है वो सारा मीट का खुश्क हो गया अब हमने आलू ऐड किए आलू ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे से भून लिया सौते कर लिया और उसकी जो रोगन है ग्रेवी अच्छे से रेडी हो चुकी है जो सालन की जो हमारी वो होती है रोगन होती है वो ऊपर आ चुकी थी अच्छे से भुन चुका था तो हमने चावल के हिसाब से पानी ऐड कर दिया मेरे पास दो कप राइस थे तो मैंने तीन कप पानी ऐड कर दिया जैसे पानी में बॉयल आया था मैंने इसमें हरा धनिया और जो है वो साबित हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी थी एक बॉइल आ चुका था पानी में उसके बाद हमने अपने राइस शामिल कर दिए हमारे पास सोख किए हुए राइस थे तकरीबन मैंने जो है वो हाफ़ एन आवर राइस को सोक कर दिया था सोक किए हुए राइस बहुत अच्छे बनते हैं आप आपने उसे ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करना और कोई हॉश पॉश जो है वो मेथड नहीं होता सिंपली आपने ऐड कर देना है पानी को बॉईल आने के बाद और वो अच्छे से रेडी हो जाते हैं यहाँ पर जो चावल शामिल करने के बाद मैंने एक बार जो है वो चम्मच चला दिया था ताकि वो सेट हो जाए और यहाँ पर जी अब मैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ जब पानी थोड़ा सा रह जाए और सारा पानी रिलीज़ हो चुका हो उस पॉइंट पर आपने आधा टी स्पून गर्म मसाला ऐड कर देना है दैट्स इट और आपने अपना नमक चेक कर लेना है कि टू आपके जो है वो टेस्ट के हिसाब से है या नहीं यहाँ पर हमारा पानी सारा खुश्क हो चुका था थोड़ा सा पानी रहा था तो मैंने अच्छे से लेट कवर कर दी थी और अगर हो सके तो आप इसके ऊपर कोई भारी सी चीज़ रखते हैं और टेन टू फिफ्टीन मिनट्स के लिए मैंने इसे दम पर छोड़ दिया था दम पर रखने के बाद ही यहाँ पर दोपहर का टाइम था लंच टाइम था और घर में कुछ पीछे काम भी चल रहे थे और मैं यहाँ पर अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने बैठ चुकी थी एक्चुअली वो यूट्यूब से रिलेटेड ही था कुछ काम था मेरा तो मैंने वो कर लिया इतनी देर में जो है वो हमारे चावलों को अच्छे से दम भी आ गया सो जी यहाँ पर चावलों को दम आ चुका है और अब हम इसे अच्छे से डिश आउट कर लेंगे आई होप आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे ज़रूर मोटिवेशन दीजिएगा कि आपको मेरी कौन सी वीडियोज़ पसंद आती हैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अल्ला हाफिज़ जी बाय बाय